उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ में बर्फबारी ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालांकि पहले से ही प्रशासन अलर्ट है जोशीमठ की जो स्थिति है उसको देखते हुए, लेकिन अब जब बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई है तो ऐसे में प्रशासन और ज्यादा सक्रिय हो गया है। बद्रीनाथ, हेमकुंड और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ में भी बर्फबारी ने चिंता बढ़ा दी है। और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी चमोली से पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, हेमकुंड और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर कह रहे हैं कि बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। जोशीमठ में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। जोशीमठ के जो हालात हैं उस बीच बारिश बर्फबारी का होना लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। कितने और हालात खराब हो सकते हैं राहत बचाव कार्य के बीच में? बिल्कुल, देखिए प्रीति, सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से देर रात से यहाँ पर बारिश का जो दौर है जो चल रहा था, उस दौर के बीच जो तमाम इलाके हैं उनमें, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मसूरी से अगर हम बात करते हैं तो मसूरी के धनौल्टी में काफी बर्फबारी हुई, इधर मसूरी में भी हल्की बर्फबारी हुई। यूनी चपरा का जो मार्ग है वो भी इस वक्त अवरुद्ध चल रहा है, उसमें जो है सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचाई वाले जो हिमालय पर्वत है, उन पर काफी अच्छी मात्रा में जो बर्फ देखने को मिली है। अगर हम बात करें नैनीताल जनपद में, तो नैनीताल जनपद में बर्फबारी हुई है। चंपावत, पिथौरागढ़ में बर्फबारी देखने को मिली है। चमोली जनपद की अगर हम बात करें तो हमारे सहयोगी पुष्कर में भी आपको ज्यादा इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि तो ओवरऑल उत्तराखंड का माहौल है इस वक्त, क्योंकि कड़ाके की ठंड की आगोश में उत्तराखंड दिख रहा है। मैदानी क्षेत्रों में देर रात से बारिश थी, उसके बाद सुबह से कोहरा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि कई स्थानों पर इस वक्त भी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, हल्की बूंदाबांदी है। कड़ाके की ठंड के आगोश में है लोग इस वक्त, जो ठंड बड़ी है उससे जो है कड़ाके की ठंड में जो है अंगीठी या फिर अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। बिल्कुल, जनजीवन पर कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? यातायात कितना प्रभावित हुआ है? बिल्कुल, देखिए जहां तक यातायात की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी जो जिले हैं उनमें कोहरा काफी संख्या मात्रा में बढ़ चुका है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी स्थानों पर कम देखने को मिल रही है। तो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ठंड अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो है जब ठंडी शीतलहर चलती है तो उससे ठंड का प्रकोप और बढ़ जाता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि मौसम विभाग ने जिस प्रकार से 4 दिन का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, उस 4 दिन के अलर्ट में जिस प्रकार से मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलता रहता है, ये देखने वाली समय में पता लगेगा। बिल्कुल, हमारे साथ पुष्कर नेगी चमोली से बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पुष्कर, जरा बताएं बर्फबारी, बारिश का दौर जो शुरू हुआ है उसका कितना असर जनजीवन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? कितनी मुश्किलें लोगों की अब बढ़ गई हैं? सही कहा कि जब बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो यहाँ पे हो जाता है। हालांकि मौसम विभाग का जो अनुमान था लगातार जो है बारिश होगी, और जो 7 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया था उसको लेकर जो है, अगर मैं जनपद चमोली की बात करूँ, जनपद चमोली में कल रात से ही यहाँ पे बर्फबारी और बारिश हो रही है। हालांकि उत्तराखंड में चमोली नहीं, चाहे आप रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए या फेरी की बात कर लीजिए, पौड़ी की बात कर लीजिए, क्या हो सकता है मसूरी मंडल की आप बात कर लीजिए, चाहे आप अल्मोड़ा की बात कर लीजिए, पिथौरागढ़ की बात कर लीजिए, ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाके हैं, तो यहाँ पे जो है बर्फबारी का दौर चलते ही जो है लगातार जारी था। और अभी अभी का अगर जनपद चमोली का आपको अपडेट, तो जनपद चमोली में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ इस तरह समझ जाए जोशीमठ एक ऐसा इलाका है जिसकी जोशीमठ पर सभी की निगाहें हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका मीडिया, अधिक बर्फबारी होती है या या बारिश होती है तो इसको लेकर जोशीमठ में बहुत जो बहुत दशा हो रहा है, इसमें कितनी परेशानी लोगों को करने देखने को मिलेगी। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रहा है, अलाव की व्यवस्था यहाँ पे है, रहने की व्यवस्था है लोगों की, यहाँ पे चाहे आप होटलों में इनको रखा गया है, चाहे आप रेन बस रूम में रखा गया, पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। हालांकि दिक्कतों की आपने बात करी, जनजीवन की आपने बात करी, तो जनजीवन उन लोगों का जाता है क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं, स्कूलों की अगर मैं बात करूँ तो कल से आप देखिए बारिश का दौर है, पूरे पहाड़ों में चल रहा था, चाहे आप समुद्र की बात करें तो बच्चों को जो है लगातार जो है बच्चों को पैदल जाना पड़ता है, स्कूलों की दिक्कत जो है उनको होती है, बिजली से लेकर पानी से लेकर, यदि कड़ाके की सर्दी होगी, बर्फबारी होगी, तो गाँव के लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करने का पड़ेगा। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में कोहरा यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। प्रीति,
बिल्कुल कैलाश जी, जोशी मठ के हालातों को लेकर बात करेंगे तो क्योंकि बारिश बर्फबारी के बाद जोशी मठ के हालातों में किस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें लोगों को और ज्यादा उठानी पड़ सकती है, प्रशासन हालांकि अलर्ट है लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को क्या कुछ दिक्कतें पेश आएंगी? देखिए बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है क्योंकि जोशी मठ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धाम की निगरानी ली जा रही है। आज भी 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर धाम ने बैठक करनी है और समीक्षा बैठक होनी है शाम को 4:15 बिल्कुल मुस्तैद है। वहां पर लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा या वहां पर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं वहां पर की है। हालांकि बर्फबारी होने से लोगों की थोड़ी मुश्किलें ठंड के मामले में बढ़ सकती है लेकिन प्रशासन फिलहाल वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जो जहां लोगों को रखा गया है उनकी खाने की व्यवस्था, उनके दवाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं 4:54 सुरक्षा व्यवस्था के तमाम सरकार और प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। SDRF वहां पर मौजूद है, जिला प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं वो वहां पर मौजूद है, केंद्रीय जो सर्वेक्षण कमेटियां हैं वो वहां पर मौजूद है, तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से वहां पर की गई है और भविष्य में जोशी मठ को किस प्रकार से एक अलग सा राज्य शहर स्थापित किया जाए, माफ कीजिएगा, एक शहर स्थापित किया जाए उसके लिए भी शहर जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात करते हैं या फिर आपदा के मामले में अधिकारियों की बातें करते हैं तो सभी अधिकारी भी यहाँ पर संजीदा नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बद्रीनाथ, हेमकुंड और तमाम जगहों पर जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है ऊंचाई वाले इलाकों पे, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है तो ऐसे में ठंड एक बार फिर से जो है वो बढ़ गई है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। जोशी मठ में भी जो है बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो लोग विस्थापित किए गए हैं, जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, वहां पर उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने पीने से लेकर दवाई, रहने की और साथ ही साथ ठंड से बचाव के भी सभी इंतजाम उनके लिए किए गए हैं।